तुम्हें बस अपनी धांसू जेन वॉल्टर्स लुक का तड़का लगाना है। धांसू जेन वॉल्टर्स लुक मतलब क्या? ओ, क्या दिमाग लगाया यार। तुम ही एक अकेले जीनियस नहीं हो फैमिली में। नहीं, वो अपना चैट भी तो है। ओके ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ये हाल किसने किया? जूते कहाँ हैं? बुरा मत मानना, लेकिन जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया उसे रत्ती भर भी तुम्हारी परवाह नहीं। निकालो उस लड़के को लाइफ से। या उस लड़की को। या जो सही था निकालो, क्योंकि तुम एक बाथरूम में हो। मेरे पास जूते हैं, ये लो, ये रहते हैं। चलो इसे पहन लो। थैंक यू, पर मुझे अपनी हालत ठीक करनी है और मुझे मेकअप की जरूरत नहीं। अच्छा, बॉयफ्रेंड आने वाला है। अरे सुन ना, थोड़ी देर टाइम बिताएगी क्या? हमें तो बस दोस्ती करनी है। कहाँ जा रही है? फिर से हल्क बन गए। स्मार्ट हल्क। वाओ। उससे मैं अपने हाथ को पूरी तरह ठीक कर पाया। ओ, तो मैं तुमसे बेहतर हूँ? तुम ये कह सकते हो कि हम दोनों अलग हैं। मेरा खून तुम्हारी रगों में घुस गया और उस क्रैश के बाद तुम्हारे अंदर खतरनाक गामा रेडिएशन भी घुस चुकी है। खतरनाक? यानी कि मैं मर जाऊंगी? ये इतना आसान नहीं है यार, मुझे तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात के समय नहीं रुकते, सांस रुक जाती है ब्रूस। ओके। सड़ू हल्क। स्मार्ट हल्क। मतलब सड़ सड़ के बना स्मार्ट हल्क। ये नाम मैंने नहीं रखा, पर बोलते तो हो ना, क्योंकि पसंद बहुत है तुम्हें। अब लॉयर गिरी मत कर रहे। तो मैं बेहतर हूँ, है ना? देखो कुल मिला के मेरा हाथ ठीक हो गया और अब मेरी एक बॉडी में दो अवतार खुशी खुशी रह रहे हैं। जन, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बेहतर लग रहा है? डर और गुस्सा तुम्हें बदल देंगे। इन दोनों चीजों से तो हर औरत का रूप बदल जाता है। तो ठीक है। रिलैक्स। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई आवारा घोड़ी हूँ। जेन? हाँ। रुको रुको, यानी कि तुम अभी भी जेन हो? यस यस यस। मतलब तुम अकेली इस बॉडी में हो? अब तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये बताओ, तुम्हें एक ही साइकिल पे डबल सीट का कोई एहसास नहीं हो रहा है? नहीं, अकेली हूँ मैं। ये तो सॉलिड है जैन, मुझे शायद तुमसे जलन हो रही है। सच में जैन, जल रहा हूँ मैं। पता है क्या सोच रहा हूँ? तुम्हें अपने अंदर किसी और से 10 सालों तक अब कुश्ती नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो अगर मुझे जैन बनना हो तो मैं क्या करूँ? तुम क्या करते थे? आमतौर पे जब मैं किसी जेट से गिरता था या कोई रोबोट मेरे होश उड़ा देता था तब मैं बैनर बन के जागता था या नताशा कुछ देर के लिए मुझे लोरियां सुनाती थी। पहले हम अपने दिमाग पर काबू पाना सीखेंगे कुछ योगा टेक्निक से। वाह, तुम कैसे दिमाग और शरीर पर काबू करने वाली बातें जानते हो। ब्रूस, क्या तुम पागल हो गए हो? ख्यालों को भूल जाओ, गर्दन को रिलैक्स करो, जरूरत पड़े तो घुटने मोड़ो, गैस को पेट में ही रखो, नमस्ते, हो गया। अपनी मौजूदगी का एहसास करो। दो अलग साइज के कपड़े चाहिए होंगे, एक जेन के लिए और दूसरे हल्क बॉडी के लिए। बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। निकी। स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कभी भी कंट्रोल में हो, ज्यादा गुस्सा तो महसूस नहीं हो रहा? नहीं, मामूली सा गुस्सा आ रहा है मुझे। सोते वक्त ना तुम फिर से जैन के रूप में आ जाती हो, पता है? ये भोंपू बजाना जरूरी था? थोड़ी सी कॉमेडी भी तो चाहिए ना लोगों को। तान फेंक, बहुत मामूली बात, कोई बड़ी बात नहीं। फेंकू? हाँ, बस छोटी सी चट्टान उठाओ और पहली बार है, जरा आराम से। Very good. बताना चाहता था। सही तरीका। कमाल का था। आसान था। ईर्ष्यानी है तू। लुक बनने के लिए बैलेंस जरूरी है। अच्छा। चीटर ब्रूस, बचपन से। पर इसके कुछ फायदे भी हैं जैन। हमारी बॉडी शराब के खंबे हजम कर लेती है। इसका मतलब कि हम
भर भर के पी सकते हैं और टल्ली भी नहीं होते। तुमसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ और तुम मुझे इस तरह गुस्सा दिलाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखा नहीं, मैंने ये जानबूझकर किया। ओके, वैसे ये मेरे लिए भी नई चीज है। घटिया मूव। सिखाने वाले तुम ही हो। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें ये नहीं चाहिए था, पर तुम्हें चाहे अच्छा लगे या बुरा, अब तुम हो एक सुपर हीरो और इस दुनिया को कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर हम जैसे लोग ही मुंह मोड़ेंगे। क्या तुम कोई कॉमिक बुक का डायलॉग पढ़ रहे हो? शायद। तुम चाहो तो और भी बेहतर होगा। तुम्हारी थेरेपी वेरेपी गई भार में, समझे? कि मैं ये करना नहीं चाहता था। नहीं, थोड़ा बहुत तो जरूर करना चाहता था। हम दोनों अलग इंसान हैं। गधी कहीं की। तुम गधे। एक मच्छर भी नहीं मार। मेरा बार। सॉरी। अब तुम ही इसे बनाओगी। भाई। वैसे तुम अपनी लॉयर वाली जिंदगी में लौटना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक्स। एक नंबर का झूठा है। और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कुछ बुरी भली पर खरी बातें सुनाई। वाओ, ऐसी माफी जो माफी कम और सुनने में ताना ज्यादा लग रही है। टिपिकल लॉयर गिरिया। तुम किस खेत की मूली हो? जेनिफर वॉल्टर्स, अटर्नी एट लॉ। नहीं यार, वर्जिन कैसे मर सकता है? बहुत बुरा हुआ यार। स्टीव रॉजर्स कोई वर्जिन नहीं है। उसने एक लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी 1943 यूनाइटेड नेशंस के एक मिशन पर। यस, जानती थी।